मैं चाहता हूँ कि पीड़ित परिवार को वाई श्रेणी शिक्षा दी जाए, जिस तरह से यहाँ कंगना रानावत जब भी वो भी देश की बेटी, उसको शिक्षा मिलती है तो हमारे परिवार को मिलनी चाहिए। इसलिए मेरी ये मांग है कि पूरा मामला जो है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जिनको कोई लालच ना हो, जाए उनका प्रमोशन होगा डिमोशन होगा, ऐसा लालच ना हो, ऐसे जज से हमें न्यायपालिका पूरा भरोसा है, पूरी जांच होनी चाहिए और उनके नेतृत्व संज्ञान में पूरा मुकदमा चले तब जाके सीबीआई जांच की। आरोपियों के पक्ष में पंचायतें हो रही हैं, धारा 144 लागू है, वो भी पीड़ितों से मिलने के लिए, वहाँ 5 लोग जा सकते हैं लेकिन यहाँ जो है हजारों लोग इकट्ठे होकर पंचायतें कर सकते हैं और यहाँ पथराव हो सकता है, सब चीजें हो सकती है, तो कोई भीड़ आके मेरे परिवार के साथ सब कुछ कर देगी और उसमें मीडिया की सुर्खियां बन जाएगा, कहाँ जाएंगे हम लोग, पूरे देश में गुस्सा है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर राजा हाथरस में पीड़ित परिवार से मिले हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार को मिलने के बाद उनके लिए सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार इस गांव में सुरक्षित ही नहीं है। चंद्रशेखर कहना है कि मैं परिवार को वाई स्तर की सुरक्षा की मांग करता हूं या फिर परिवार को अपने घर ले जाऊँगा, वो यहाँ सुरक्षित नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से ही इस केस की पैरवी कराएंगे। उनके भाई, उनके दोनों भाई, उनकी भाभी, उनकी बुआ जी सब लोग थे और मेरे जाते उन्होंने मुझे सबसे पहली बात ये कही है कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं है और हम यहाँ से आपके साथ जाना चाहते हैं। डर के साय में न्याय कैसे होगा बताइए। जिस तरह से यहीं पे आरोपियों के पक्ष में पंचायतें हो रही हैं, धारा 144 लागू है, वो भी पीड़ितों से मिलने के लिए, वहाँ 5 लोग जा सकते हैं लेकिन यहाँ जो है हजारों लोग इकट्ठे होकर पंचायतें कर सकते हैं और यहाँ पथराव हो सकता है, सब चीजें हो सकती, तो कोई भीड़ आके मेरे परिवार के साथ कल कुछ कर देगी और वो सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बन जाएगा, कहां जाएंगे हम लोग, पूरे देश में गुस्सा है। मैं चाहता हूं कि पीड़ित परिवार को वाई श्रेणी सुरक्षा दी जाए, जिस तरह से यहां कंगना रानावत जब भी वो भी देश की बेटी, उसको सुरक्षा मिलती है तो हमारे परिवार को मिलनी चाहिए। इसलिए मेरी ये मांग है कि पूरा मामला जो है, क्योंकि सीबीआई को हमने देखा बहुत करीब से और सरकार, इस सरकार में जिस तरह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इनका यूज जो विपक्ष को डराने धमकाने के लिए होता है, हमने सब देखा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जिनको कोई लालच ना हो, जाए उनका प्रमोशन होगा या डिमोशन होगा, ऐसा लालच ना हो, ऐसे जज से हमें न्यायपालिका पूरा भरोसा है, पूरी जांच होनी चाहिए और उनके नेतृत्व संज्ञान में पूरा मुकदमा चले तब जाके सीबीआई जांच की।